हेलो फ्रेंड्स, गुजराती घरेलू रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम और पुदीने का शरबत। अभी गर्मियों की सीजन में आम आना शुरू हो गया है और मार्केट में बड़ी आसानी से भी मिल जाते हैं। ये शरबत गर्मियों में बड़े अच्छे फायदे देता है। अगर आप धूप में कहीं बाहर से घर आए हो और यह शरबत बना के पियोगे तो गर्मियों में लगने वाली लू से भी बचेंगे और आपको ताजगी का एहसास भी कराएगा। तो चलो बनाते हैं कच्चे आम का खट्टा मीठा शरबत। यहाँ मैंने एक बड़ी साइज का कच्चा आम लिया है। आम को हमने छिलका निकाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब सारे टुकड़े एक मिक्सर जार में डाल देंगे। बाद में एक बाउल ताजा पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा धनिया लेंगे, दो छोटे अदरक के टुकड़े लेंगे और आखिर में एक बाउल मिश्री डालेंगे। यहाँ हम चीनी के बदले मिश्री का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि मिश्री शरीर के लिए ठंडी होती है। अब आधी चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और आखिर में बर्फ के टुकड़े डालेंगे। अब मिक्सर जार को बंद करके मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। यहाँ हमने किसी भी तरह का फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, फिर भी पुदीना और धनिया की वजह से नेचुरल हरा कलर आया है। एक बाउल में छन्नी की मदद से शरबत को अच्छे से छान लेंगे। इससे शरबत में जितने रेसे या छोटे टुकड़े हो वो अलग हो जाए। अब हम क्या करेंगे, शरबत को पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। शरबत जितना पतला हो इतना अच्छा लगता है। तो देखिए ये शरबत पीने के लिए तैयार है। अब वक्त हो गया है शरबत को ग्लास में सर्व करने का। पहले से ही बर्फ के टुकड़े डाल देंगे जिससे शरबत ठंडा रहे। आखिर में शरबत पर चाट मसाला डालेंगे जिससे टेस्ट और निखर कर आएगा। साथ में कच्चे आम के टुकड़े से गार्निशिंग करके हमारे ग्लास को सजाएंगे। गर्मी में एक बार मेरे बताए हुए तरीके से कच्चे आम का शरबत बना के पियोगे तो आपको बार बार बनाकर पीने का मन करेगा। अगर मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।